हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस के घर में आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा देखने को मिल ही जाता है। हर दूसरे दिन टास्क को लेकर बवाल हो जाता है और वीकेंड का वार पर कंटेस्टेंट्स की सलमान बाट लगाते नजर आते हैं। इन दिनों जहां एक तरफ घर में सिद्धार्थ शुक्ला और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस के दिए आदेश पर विस्फोटक कंटेस्टेंट के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी भाऊ को किसी तीन घर वालों पर वीडियो बनानी थी। भाऊ ने पारस छाबरा, माहिरा शर्मा और शहनाज गिल पर वीडियो बनाई। पारस और शहनाज तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तानी भाऊ ने जय हिंद बोलते हुए माहिरा शर्मा के बारे में बोलना शुरू किया, मानो उसके बाद लड़ाई झगड़ों का घर वालों को एक नया मुद्दा मिल गया हो। हिंदुस्तानी भाऊ के बोलने पर माहिरा और पारस के बीच बहस देखने को तो मिली ही, साथ ही घर के बाहर यानी कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बवाल कर दिया। एक यूजर का कहना है कि घर वाले भाऊ को वो इज्जत दे ही क्यों रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करते। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि हिंदुस्तानी भाऊ को कुछ ज्यादा ही ताव है, जो दूसरों को बोलते हैं वो सब पहले तो वो खुद है, सब बोलकर फिर जाके बेटा सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे लोग पे भरोसा मत करो, मीठा पान है पर अब ज्यादा दिन नहीं, गिरेंगे और जाएंगे पहली फुर्सत में आउट। कई लोगों ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि सलमान भाऊ की इस बार जमकर क्लास लगाएं। बताते चलें कि अपने वीडियो में हिंदुस्तानी भाऊ ने माहिरा को बड़े होठों वाली छिपकली कहा था, जिसे लेकर लोग उन पर बरस पड़े हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? माहिरा के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर सलमान को भाऊ की वाट लगानी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।